इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। ज्योति प्रकाश निराला ने बांदीपुरा मुठभेड़ में शहादत प्राप्त की थी और इस दौरान उनकी आतंकवादियों से जोरदार मुठभेड़ चल रही थी। ज्योति ने इस दौरान दो आतंकवादियों यानी कि कमांडर लखवी का भतीजा उबैद उर्फ ओसामा और महमूद के भाई को मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं, इस मुठभेड़ में उन्होंने अपने घायल साथियों की जान भी बचाई थी। हालांकि इन सबके बीच में वे शहीद हो गए। बेटे के गुजर जाने के बाद पिता को बड़ी चिंता थी, खासकर बेटी की शादी को लेकर वे काफी टेंशन में थे। हालांकि ज्योति के साथी गरुड़ कमांडो ने पिता को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। जब बिहार के बदिलाडी में शशिकला की शादी पाली रोड के सुजीत कुमार के साथ हो रही थी तो इसी दौरान गरुड़ कमांडो के लोग भी वहां पर आ गए। इस दौरान एक पुरानी परंपरा के चलते उन्होंने शशिकला के कदमों के नीचे अपनी हथेलियां रखकर उसको विदाई दी। इस शादी के दौरान वायुसेना की गरुड़ टीम के 100 कमांडो सम्मिलित थे। ये पूरा नजारा भावुक करने वाला था। शहीद ज्योति के पिता का ये कहना है कि गरुड़ कमांडो के आ जाने के कारण उन्हें शादी में बेटे की कमी महसूस नहीं हुई। वहीं दुल्हन बनी शशिकला को भी एक साथ 100 भाई मिल गए। ऐसे में पिता तेज नारायण सिंह ने गरुड़ कमांडो के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि ज्योति प्रकाश निराला अशोक चक्र से सम्मानित कमांडो थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें अशोक चक्र प्रदान किया था। उधर इंटरनेट पर जब लोगों को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उनकी भी आंखें नम हो गई। हर कोई वायुसेना के कमांडो के इस कृत्य की तारीफ करने लगा। एक यूजर ने ये भी लिखा कि बहन ने एक भाई खो दिया तो ईश्वर ने उसे 100 और भाई दे दिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है कि यही वजह है कि हमारी इंडियन आर्मी की बात सबसे अलग है और इसीलिए इंडियन आर्मी को हम सभी का सलाम। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर के प्रति आपकी क्या राय है आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।